यूनिवर्सिटी की तमाम फैकल्टीज के मुख्तलिफ शोबाजात में BS, MPhil और PhD के दाखिले जारी हैं। इस वक्त हमारे दाखिले माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी तवक्को से ज़्यादा जो है वो एडमिशन के लिए फॉर्म सबमिट हो रहे हैं और हमने इसको गुमा यूनिवर्सिटी ने इसको ऑनलाइन प्रोसेस किया हुआ है और इस सिलसिले में ऑनलाइन सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस भी कराया है और उसके ऊपर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो बड़े आराम के साथ और बड़े इजीली इसको सबमिट करा रहे हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि वो ऑनलाइन जो है वो फ़ीस जमा कराते हैं, ऑनलाइन फॉर्म लेते हैं, ऑनलाइन उसको सबमिट करते हैं और फिर हमारे पास आकर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इधर सबमिट कर रहे हैं और एडमिशन जो है वो एडमिशन के जितने मेरा अमला है वो दिन रात तनदेही से काम कर रहा है और उनको सिस्टमेटिकली जो है वो रख रहे हैं ताकि मेरिट के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो। MPhil PhD के दाखिलों की आखिरी तारीख 25 अगस्त जबकि BS प्रोग्राम की लास्ट डेट 26 अगस्त है। BS का इस दफ़ा टेस्ट नहीं होगा बल्कि सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स और उनका इंटरव्यू होगा और वो डिपार्टमेंट में लिया जाएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिस तरह के प्रोसेस होता है वो मेरिट लिस्ट जो है वो लगा दी जाएगी। इसके अलावा MPhil और PhD के लिए हमने एक बाहर की एजेंसी से टेस्ट हम करा रहे हैं और वो भी ट्रांसपेरेंट होगा ताकि किसी को कोई इतराज़ ना हो और उस टेस्ट के बाद जो है वो इंटरव्यू होंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी तादाद में इस दफ़ा PhD और MPhil में लोग हिस्सा लेंगे क्योंकि मौजूदा वाइस चांसलर साहब का अगर मैं यहाँ जिक्र न करूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी क्योंकि उनकी सरपरस्ती में और उनके विजन के मुताबिक जिस तरह वो हमें गाइड कर रहे हैं और जिस तरह हमें वो लीड कर रहे हैं तो उसके साथ वो हमें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। एडमिशन डायरेक्टरेट की जानिब से जामिया गुमल में दाखिले के ख्वाहिशमंद कैंडिडेट्स को सहल अंदाज में मतलूबा इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है। हमारा जो यहाँ एडमिशन डायरेक्टरेट का नंबर है 09667504 ये हम वक्त जो है इसके ऊपर आदमी मौजूद होता है और हम उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इसके अलावा भी जिस भी जरिए के साथ रात के 1-12 बजे भी लोग हमसे रब्ता करते हैं तो हम उनको उसका तसल्ली बख्श जवाब दे रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारे दाखिले बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट भी काफ़ी हैं। तो BS हमने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ साइंसेस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इस तरह फार्मेसी, इस तरह वेटनरी, जो हमारी वेटनरी साइंसेस का जो हमारा पूरा बहुत बड़ा इदारा है और इस वक्त वो इदारा और फार्मेसी और फिज़िक्स डिपार्टमेंट और इसी तरह कंप्यूटर साइंसेस, हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये इस वक्त पाकिस्तान में लीडिंग पोजीशन में जा रहे हैं और लोग जोक दर जोक इसमें एडमिशन ले रहे हैं। तो इस दफ़ा हमने इन डिपार्टमेंट्स में MPhil PhD दोनों शुरू कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से इस बार 4 नए शोबाजात का भी आगाज़ कर दिया गया है। BS के लिए जो है वो जो हमने नए 4 नए प्रोग्राम VC साहब ने शुरू किए हैं, मोहतरम जनाब VC साहब ने, वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है इलाके के लोगों के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी और एक पुरानी डिमांड भी थी तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा इसको बोर्ड ऑफ स्टडी, एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट और तमाम जितने भी वो हमने उनसे इनकी इजाज़त ली है बॉडीज से। तो वो 4 डिपार्टमेंट जो हमने नए खोले हैं उनमें जियालॉजी, BS जियालॉजी, सोशियालॉजी, साइकोलॉजी और लाइब्रेरी साइंसेज हैं और इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गुमन यूनिवर्सिटी की। इस दरसगाह में जहां एडमिशन के लिए आई दरखास्तों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, वहीं दूसरी तरफ मादर इल्मी में क्वालिटी एजुकेशन और एकेडमिक एक्टिविटी में बेहतरी के लिए वाइस चांसलर की जानिब से उठाए गए इकदामात को अवामी हलकों में काफ़ी सराहा जा रहा है। कैमरामैन वक्कार और हशमत मलिक के साथ अबरार अहमद, गुमन यूनिवर्सिटी TV, डेरा इस्माइल खान।